आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आज यहाँ संसद का जो घेराव करने आई हैं तमाम महिलाएं अलग अलग स्टेट से, तो आपको बता दूं अभी मैंने बिहार जिले की मोतिहार से आई थी, जो अलग अलग राज्यों से आई थी, जो नालंदा से भी थी, आज अभी यहाँ पर आसाम की भी है, जो इनकी भी समस्या है। सोचिए अलग अलग स्टेट से ये महिलाएं आई हैं। कहाँ कहाँ से आई हैं आप लोग आसाम में? आसाम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो क्या कुछ आपके साथ भी, मतलब आप वर्किंग है, किस में वर्किंग है? मिड डे मील में है या उसमें आशा में है? आशा में। आशा में है, सभी आशा में है। आसाम में। तो क्या कुछ हो रहा है आशा वर्कर्स के साथ, मतलब तमाम राज्यों से आपको आना पड़ा है यहाँ पे अपनी आवाज़ें बुलंद करने? हम आशा से आसाम से ऐसे ऐसे आज तो हम सब आशा आज स्वयं पर आशा से अभी कब से काम कर रहे हैं? छह साल से कर रहे हैं। तो जो मिलना है वो नहीं मिलना नहीं मिलते हैं, उसमें हम लोग के जो सैलरी है सैलरी हिसाब से दे देना हम लोग के बेसी अच्छा होता है। हमारा ये इंटेंसिव इसने काम करता है, तो इंटेंसिव से मैं हमारा गुजरा नहीं। क्या रहता है आपका लगभग? हमारा जननी हो रखा, जननी हो रखा सब, टीबी दे दिया है, मलेरिया दे दिया है, कैंसर दे दिया है, कोरोना भी दे दिया है, सब कुछ हमारा लाद दिया, सब चीज में आपको काम ही काम है। हमारा ही मानदेय कितना दिया जाता है? हमारा थ्री थाउजेंड, अभी तो हमारा 3000, आज एक साल हो गया 2000 दिया था। काम हमारा बहुत ज्यादा हो गया अभी। पहला हमारे जननी सुरक्षा बच्चा के लिए, जैसे बच्चा सुरक्षा के लिए बोला था, अभी हम लोग को सब काम हमारा साथ दे दिया है, मलेरिया फाइलेरिया एनसीडी और तो ऐसे ऐसे अभी कोरोना भी हमारा साथ दे दिया, जैसे दे जाए ऐसे हमारा कोनो माननी नहीं है, जब देता है काम पर। हम लोग क्या माननी नहीं है, हम लोग का सैलरी दे देना तो बहुत अच्छा था, किंतु सैलरी नहीं दे, हम इंसेंटिव हिसाब से काम देता है पैसा। और भी अब बागान के लोग में अब 12000 पैसा देता है, वो भी हम लोग का 200 देगा, वो भी नहीं दिया। और भी महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? गीता दास। गीता दास, तो क्या मतलब आप भी आशा वर्कर हैं, आपसे क्या कुछ काम लिया जाता है और मानदेय आपको मतलब कम दिया जाता है? हर चीज में काम लिया जाता है, जो हमारे अभी जो ये डेंगू हुआ था, डेंगू में भी सब कुछ हम लोग से किया गया है, सब हम लोग के घर घर जा जा कर, कोरोना में भी कर रही या, या, या। जबकि घरों में सब लोग पैक होकर बैठे हुए थे उस टाइम पे आप लोग काम कर रही थी? जी जी जी, घर घर जाकर। जी जी, मतलब जान रिस्क में डाल करके आप काम कर। सुबह 5 बजे हमको बुलाते हैं, हम 5 बजे जाने के पड़ता है, हम लोग खाना पीना छोड़ के 5 बजे जाने पड़ते है। हम सुबह जाके हम लोग ड्यूटी करते हैं रोज, इतने पहाड़ हम लोग कार्बी अलोंग से। घंटे का आपका काम है, कितना घंटे की नौकरी? हम लोग 5 बजे से सुबह 5 बजे, फिर हम लोग जब अभी हर दिन होती है, हम लोग के तो कोई टाइम टेबल नहीं है। रात को पेशेंट जब बुलाएगा तब हम लोग रात 2 बजे चल जाते हैं, हम लोग के कोई टाइम टेबल नहीं है। रात में जब आप रात में जाती है तो कोई सेफ्टी साधन सब कुछ अवेलेबल होता है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कार्बी अलोंग आसाम कार्बी अलोंग से आया है, वहाँ तो सब पहाड़ जिला है, सब पहाड़ में जंगल जंगल होता है, वहाँ में तो जीव जंतु के बहुत डर रहता है। वहाँ से हम लोग पहाड़ में नदी है, नदी पार करके रहते हैं हम लोग, वहाँ से जंगल में भीतर में बहुत, मतलब जान पे खेल के आप लोग काम कर रही है और प्रशासन ये देख रहा है? जी जी, प्रशासन पे आपने गुहार लगाई प्रशासन? हाँ, बहुत बार नाव में जाना पड़ता, जाना पड़ेगा नाव में। हाँ अच्छा, रातों नाव में जाना पड़ेगा। इतना रिस्क लेके आप लोग काम करती है और तभी मतलब आपको ना मानदेय है ना कोई साधन है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। क्या क्या नाम है आपका? हेमा इंतिपी है। आप कहाँ से हैं? कार्बी अंगलोंग से, आसाम से आई हो। तो मतलब ये सभी जगहों पे आशा वर्कर्स, मिड डे मील हो चाहे आंगनवाड़ी, तो ये इस तरीके की तमाम समस्या से आप लोग जूझ रही है, सरकार क्या कर रही है वहाँ? हाँ, इसलिए वेतन बढ़ने के लिए इसलिए हम लोग आ रहा है, इसलिए हर रात हर दिन हम लोग लड़ते रहे। तब पेशेंट अभी बोलेगा तो हम लोग खाना उना छोड़ के खा के छोड़ के हम लोग चले जाते हैं, जा एम्बुलेंस हो जा ऑटो वगैरह मिलकर हम लोग चले जाते हैं इसलिए। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के साथ भी शोषण होता है आसाम में भी इस तरीके का है क्या? आशा वर्कर्स के साथ आसाम क्यों नहीं होते, सब होता है हम लोग की, कुछ कुछ तो बहुत गालियाँ भी सुनने पड़ते हैं लोगों के साथ। हाँ जी, गालियाँ भी सुनने पड़ते हैं लोग तो कोई कोई टाइम से नहीं जाने देते तो गालियाँ तो पड़ेगा ही, गालियाँ पड़े फिर भी हम लोग जाते हैं। हम लोग के तो कोई ऐसे मैंने प्रेमेन या हम लोग के जो ये
राशि होती है हम लोग को मिलता है, वो हमको नहीं मिलता है। मैटरनिटी लीव आप जब तमाम समस्याओं से गुजरती हैं, ऐसी स्थिति होती है महिलाओं की जब जब प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें भी आप लोगों से बुलाया जाता है काम लिया? जी जी जी, हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग को ही बुलाते हैं, हम लोग को ले जाने पड़ते। मतलब ऐसी स्थिति में आप लोगों को मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है? नहीं। सोचिए ये समस्या है पूरे जिले की, असम से आई हुई महिलाएं हैं, सोचिए इनके साथ नहीं पूरे स्टेट की महिलाएं जो मातृत्व को संभालती हैं, सोचिए जिसके ऊपर जिसके आधार पर ये पूरा देश टिका हुआ है, महिलाएं जब ऐसी स्थिति में होती हैं, सोचिए महिलाओं के साथ तमाम तरीके की समस्या होती है जब वो ऐसी स्थिति में होती है, मैटरनिटी लीव तक नहीं मिलती है, उसमें भी आपको मतलब पूरा पूरा महीना जब होता है तब भी आपको मतलब जाना पड़ता है? जी जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। हम लोग का जा... भी बननी है मंदिर बन नहीं है, मैटरनिटी खाना खा प्रेगनेंसी में हम नौवा नौवा आठवा महीना होता है उसमें भी आप लोग जाती है, छुट्टी मिल जाती है आप लोग को? नहीं छुट्टी से छुट्टी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। पेशेंट को बोलेगा हम नहीं जाने सकेगा, हम बच्चा बीमार है हम नहीं जाने सकेगा बोलने से तो हम लोग को गाली देगा, इसलिए हम हर रात हाथ जाता है, हम दिन में भी जाता है हम लोग। क्या नाम है आपका? काकरों रोहांगपी। हम भी आशा वर्क, हिंदी तो नहीं मालूम, थोड़ा सा हिंदी नहीं आता है आपको। आपका क्या नाम? क्या रंग तिरंगपी। आपका क्या उम्र है अभी? अभी 45 है। अभी वर्किंग है आप? आशा वर्किंग है। आशा तो आपका अभी तक आपका तो बहुत एक्सपीरियंस होगा, इतना टाइम से आप काम कर रही हैं, क्या वेतन था और अब क्या वेतन है? लेकिन तनख्वाह नहीं मिला है ना, एक्सपीरियंस तो होता है लेकिन तनख्वाह नहीं दिया है। नहीं वही मैं जानना चाह रही हूँ कि पहले क्या वेतन था, आप इतने टाइम से काम कर रही हैं और अब क्या वेतन है? वेतन में कुछ सैलरी में कुछ बदलाव हुआ है? नहीं नहीं नहीं, सेम रखा हुआ है। सेम रखा हुआ है, 3000 दिया था, लेकिन 3000 देने का भी एक 1000 तो कभी देता है कभी बंद हो गया, 2000 जब 2000 दे रहे हैं। हम लोगों को बोला था कि हम लोग क्या चलेगा, हमें लड़का लड़की है ना, थर्टी थाउजेंड मिलेगा। जब कोरोना टाइम हुआ था हम लोग को बोला गया था कि हम लोगों को 30,000 मिलेगा, कुछ नहीं दिया, वो भी नहीं दिया। तो न्यूनतम वेतन मान क्या है आपका वैसे, जो कम वेतन जो कम सैलरी जो लगभग होती है मिनिमम 2000 है? यस। सोचिए वो इतनी महंगाई में 2000 है? जी हम लोग को 2000 ही मिलता है। हाँ, कैसे घर का गुजारा चलता है? हम लोगों को तो घर का ही हस्बैंड है, हस्बैंड है, काम करते हैं? जी करते हैं, फिर भी हम लोग की तो हम लोग के बच्चे है, हम लोग के बच्चे है, हम लोग के बच्चे होने पर भी हम लोग तो जाने पड़ते हैं, हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग भी बाल बच्चे वाले हैं, वो हम लोग को भी जाना पड़ता है। तो ये देखिए न्यूनतम जो मैंने इनका मासिक वेतन पूछा है, जो न्यूनतम मिला जाता है वो 2000 रुपये मिलता है। सोचिए जहाँ सिलेंडर 1200 रुपये हो गया है और जहाँ तमाम चीज़ें दही दूध पे GST लग गया है, तमाम चीज़ें इतनी महंगी हो गई है, महंगाई की चरम सीमा पार कर चुकी है, जहाँ पर आप सोचिए रोजगार नहीं है वहाँ इन्हें 2000 रुपये वेतन मिलता है। सोचिए 2000 रुपये में क्या ही तो घर चलाएगा इंसान और क्या ही तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये लगातार इसी समस्या से ये लोग जूझ रही हैं और इस समस्या को देखिए सोचिए आप अलग अलग स्टेट से आई हैं, हर जगह पर अलग अलग स्टेट पर यही तमाम महिलाओं के साथ हो रहा है। मिड डे मील वर्कर्स हैं वो, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, चाहे वो आशा वर्कर्स हो, उनके साथ इसी तरीके का शोषण हो रहा है। और जिस तरीके से आज भी 2022 आ चुका है, चुनाव में दावे वादे करके जो तमाम सरकारें आती हैं सत्ता में और उसके बाद जब भूल जाती है इन्हीं महिलाओं को, तो आज ये महिलाएं उग्र रूप धारण कर चुकी हैं और ये लोग यहाँ पर लगातार अपने मांग डिमांडों के साथ बैठी हुई है। ये असम से महिलाएं हैं जो अपने सरकार से गुहार लगा चुकी है, थक हार कर आज यहाँ पर इन्हें आना पड़ा है। तो इसी के साथ आप देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा,